अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। और ये पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, जो घायल अवस्था में है इनको भी लगी सके चुकी चलते से चोट लगी है फिलहाल जो क्या नाम है और इसे कहाँ ले गए थे और किस प्रकार से ये घटना हुई है? ये भरत सोनी उर्फ मेवाड़ा है और ये इसने ही उस नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की थी जिसको साइबर टेक्निक के हिसाब से पकड़ा गया था। आज हम लोग जीवन खेड़ी में जिस स्थान पे इसने बलात्कार किया था उस स्थान पे ले जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका और जो पीड़िता थे उसके सारे कपड़े फटफटा गए थे जिसकी जब्ती करने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर इसने जैसे ही देखा कि पुलिस जो है अपने काम में लगी तो इसने छुड़ा करके भागने का प्रयास किया, पुलिस ने इनका पीछा किया तो ये वहाँ उससे सीमेंटेड रोड है उसे टकरा के गिरे जिससे इनको चोट आई है और उसके कारण इनको ये चोट लगी है। और इसमें हमारे दो पुलिसकर्मी भी जो हैं उनको भी चोट हुई है जिसमें एक प्रधान आरक्षक सुनील है और एक हमारे साइबर के उप निरीक्षक जो है प्रीतेश जी उनको भी चोटें आई हैं। पूरी घटनाक्रम में गोली बिल्कुल भी गोली नहीं चली, ना ही पुलिस ने किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ऐसा कोई कार्य किया नहीं। कितने आरोपी हैं? बच्ची जो जिस समय हमको मुल्ला खेड़ी में मिली थी उसी के बाद से उन्हें उसी घटनास्थल को लेकर के हम लोगों ने चारों तरफ साइबर के संबंध में फुटेज प्राप्त किए थे और इसमें सफलता प्राप्त की। आरोपी ने जो दरिंदगी की है वो जीवन खेड़ी के पास एक रास्ता है जहाँ सीमेंटेड रोड बना है, सीमेंटेड रोड से आगे घटना हुई है। आरोपी मूलतः यही नाना खेड़ा का रहने वाला है। कितने आरोपी है टोटल इसके अलावा? अभी तो एक ही आरोपी अरेस्ट हुआ है, भारत सोनी। सबसे पहले इसी को बच्ची मिली थी या फिर इसको बाद में मिली क्या? कुछ बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति यही है। ये ऑटो चालक भी है? ऑटो चालक भी है।